सीलेंट वो क्यों नीडेड है, why sealant is needed. तो सीलेंट का मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शंस क्या है, वेरिएशंस का थर्मल एब्सॉर्प्शन और अनवांटेड मैटर्स को जॉइंट्स में कलेक्ट होने से प्रिवेंट करता है वो. जॉइंट सीलेंट का पर्पस सरफेस वाटर और इन कंप्रेसिबल मटेरियल को इन्फ्लेशन को मिनिमाइज करता है. सीलेंट डीआइसिंग केमिकल्स की एंट्री रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से डॉवेल बार का पोटेंशियल कोरोजन भी रिड्यूस होता है, यानी उसका कार्बोनेशन प्रोसेस रुक जाता है और बिल्डिंग की सर्विस लाइफ ज़्यादा होती है. वाई इट इज़ क्रिटिकल, बिकॉज अगर एक्सपेंशन जॉइंट स्ट्रक्चरल जॉइंट है तो 9 में से 10 बिल्डिंग के लीकेज होने के चांसेस ज़्यादा है. ये हम एक्सपीरियंस से कह सकते हैं. ये मेरी पूरी एक्सपेंशन जॉइंट की वीडियो है, जिसकी लिंक मैं इसमें भेज दूँगा. आप सृजी कंस्ट्रक्शन यूट्यूब में एक्सपेंशन जॉइंट ट्रीटमेंट में ये बहुत डिटेल में जान सकते हैं. वाई नीडेड, सीलेंट टेम्परेचर में चेंजेस की वजह से सीलेंट जरूरी है. स्वे कन्वेंशनल मोमेंट कोज में विंड की वजह से इसकी ज़रूरत है. सेस्मिक इवेंट्स की वजह से जरूरत, स्ट्रक्चरल या एक्सपेंशन या कंस्ट्रक्शन जॉइंट में सीलेंट जरूरी है. तो सीलेंट की ये बिल्डिंग की विंड रेन और एयरबॉर्न कंटामिनेशन जो होते हैं के इन्फ्लेशन को प्रिवेंट करने के रिड्यूस करने की एबिलिटी को इम्प्रूव करता है. इसलिए टेम्परेचर वेरिएशन के साथ बहुत फ्लेक्सिबिलिटी एग्जिबिट करते हैं. इसलिए उनको डायनेमिक जॉइंट्स में बिल्डिंग मूवमेंट में भी एडहेशन ये बनाया जाता है. ये जो सीलेंट है वो कैसे हमको ये सीलेंट को कैलकुलेट करना चाहिए, हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द सीलेंट इन कोल्ड कंस्ट्रक्शन और एक्सपेंशन जॉइंट. जैसे कि फॉर सीलेंट एप्लीकेशन इन एक्सपेंशन और कंस्ट्रक्शन जॉइंट में हमारी डेप्थ डी इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ जॉइंट इन mm, डेप्थ ऑफ सीलेंट जॉइंट इन mm, डब्ल्यू इज इक्वल टू विड्थ ऑफ सीलेंट जॉइंट इन mm, एंड एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द जॉइंट इन लीनियर रनिंग मीटर. सो अगर हम पीयू सीलेंट का एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, तो वो 600 ml सोसेज में आता है, 600 ml सोसेज में. तो L इज इक्वल टू 600 बाय W इंटू D. W इज इक्वल टू विड्थ इन mm एंड डेप्थ इन mm. जनरली आइडियली IS कोड के हिसाब से डेप्थ जो होती है वो विड्थ से मिनिमम हाफ होनी चाहिए. माने 10 mm का हमारा जॉइंट है, विड्थ है, तो मिनिमम 5 mm की डेप्थ होनी चाहिए. और जनरली ये जो विड्थ होती है सीलेंट की वो मैक्सिमम 50 mm तक वायबल है IS कोड के हिसाब से. पर जहाँ तक हो सके वहाँ तक 40 mm से ऊपर सीलेंट यूज़ नहीं करना चाहिए, उसकी जगह टैप को यूज़ करना चाहिए. तो सीलेंट में हम ये जो L इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सीलेंट डिवाइडेड बाई W एंड D, विड्थ एंड डेप्थ इन mm करेंगे, तो वो हमारा एक रनिंग मीटर में कितना सीलेंट जाएगा वो एक सोसेज में वो हमको बताएगा. और एज पर द साइट कंडीशन हम 5% से लेके मैक्सिमम 20% तक उसका वेस्टेज ऐड कर सकते हैं. सो हाउ दिस 10 mm by 10 mm का आपका ग्रू है, तो हम सीलेंट को L इज इक्वल टू 600 by 10 in mm, विड्थ 10 इन mm, डेप्थ इज इक्वल टू 600 by 100 इज इक्वल टू 6 रनिंग मीटर का हमारा एक 600 ml के सोसेज में 6 रनिंग मीटर का काम होगा, ऐसा हम कह सकते हैं. इस हिसाब से हम सीलेंट का कैलकुलेशन कर सकते हैं. सो वंस अगेन थैंक यू, दिस इज मौलिक चौकसी, योर वाटर प्रूफिंग कंसल्टेंट, वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट. आप मेरी यूट्यूब चैनल सृजी कंस्ट्रक्शन को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी ये यूट्यूब चैनल, ये लीक प्रूफ हेल्थ इंडिया मिशन को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें. और तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और अस्त व्यस्त न रहे. जय हिंद.